Hello everyone, class 11th, how are you? I hope you all will be fine guys. So today we have going to discuss the chapter number 12, that is the minerals nutrition. Okay, so what is the importance of minerals in plant body? Let's look. Okay, so you can join, this is our official YouTube channel. Now second one, that is here also you can join website. Okay, let's look the minerals nutrition. Okay, please थोड़ा सा ध्यान से समझना कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसमें शामिल करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हमें समझना है, उसी को अपन लोग देखेंगे. मिनरल्स न्यूट्रिशन पे अलग अलग तरीके के यहाँ मिनरल्स दिखाए गए हैं. देख सकते हो जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, कॉपर है, देन सीजियम है, फ्लोरीन है. ओके, तो बहुत अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन हैं, इनके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, किन किन चीज़ों पर अपन लोग बात करेंगे. बच्चों हम बात करेंगे सब टॉपिक मिनरल्स के अंतर्गत मिनरल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस की, एसेंशियल मिनरल्स क्लासिफिकेशन की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मिनरल्स के रोल और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे, किस तरीके से मिनरल्स को ऑब्जर्व किया जाता है और किस तरीके से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक इसको पहुंचाए जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रोजन की बात करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं, ये आपके सब टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है. देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले मिनरल्स का, कौन सी चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन पर पढ़ी जाती हैं. बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज द कार्बोहाइड्रेट आपका, प्रोटीन और फैट, ये आपको पता है ये सारा चीज़ आपके फूड में कंटेन रहते हैं. वाटर और मिनरल्स ये ज़रूरी होते हैं किसके लिए बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अ मिनरल्स इज़ अ केमिकल एलिमेंट विच नेचुरली अकर, और इसके डेफिनेशन के तौर पर यदि हम मिनरल्स को देखें तो डेफिनेशन पे आप लोग लिखेंगे कि जो मिनरल्स है एक तरीके का केमिकल एलिमेंट है जो नेचुरली मिलता है इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन द फूड एंड द सॉइल, आपके खाने में और आपके सॉइल में, एंड आर द एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल बॉडी. दैट मीन्स ताकि प्लांट का और एनिमल बॉडी का बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके उसके लिए ये मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बच्चों अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आल्सो हेल्प इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो न्यूट्रिशन. नाउ नेक्स्ट द मेथड टू स्टडी मिनरल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, दैट मीन्स वह कौन सा मेथड है जिसके स्टडी से अपन लोग ये समझ पाएंगे कि जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का वो किन किन तरीकों के मिनरल्स का रिक्वायरमेंट रहती है और उसको हमें किस बेसिस पर पढ़ना है, समझना है. एक नाम फेमस है जूलियस वॉन सैच का, जर्मन बॉटनिस्ट हैं जो बॉटनी के विषय में साइंटिस्ट बने हैं. 1860 की बात है बच्चों, उन्होंने बताया कि द प्लांट कुड बी ग्रोथ टू नेचुरली, जो प्लांट है वह नेचुरली ही ग्रोथ होते हैं, इन अ डिफाइंड न्यूट्रिशन सोल्यूशन इज कम्प्लीट, और साथ में जब उनको अच्छे से न्यूट्रिशन सोल्यूशन मिल पाता है, बट एब्सेंस ऑफ द सॉइल. अब ये ज़रूरी नहीं है, एब्सेंस ऑफ द सॉइल बिल्कुल बोल रहा है, मिनरल्स आपके रूट से ही आपके सॉइल से ही मिलें ये ज़रूरी नहीं है. मिनरल्स हो सकता है किसी वाटर सोल्यूशन का भी हिस्सा हो. ओके, तो इस वजह से सॉइल में ही ये सारे प्लांट अच्छे से ग्रो करें ये ज़रूरी नहीं है. बच्चों बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे वेजिटेबल ऐसे आते हैं अब आपके मॉडर्न वर्ल्ड में जो बिना सॉइल के भी जर्मिनेट कर पाते हैं और प्रोडक्शन कर पाते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन चाहिए. ओके, तो उसके बारे में हम जरूर देखेंगे. और यदि आपको देखना है तो ये देख सकते हो आप लोग, इसमें किस तरीके से कोई सॉइल नहीं है, बस न्यूट्रिशन का कुछ सॉल्यूशन है इसके अंदर, और ये जो है एरेटिंग ट्यूब लगाया गया, एरेटिंग ट्यूब की मदद से जो एनवायरमेंट का ऑक्सीजन है वह पानी को लगातार मिलता रहता है और प्लांट भी यहीं से अपना काम लेता रहता है. फनल है एडिंग द वाटर और न्यूट्रिशन, ये फनल जो है वाटर और न्यूट्रिशन को ऐड करने के लिए लगाया गया है, और यहाँ कॉटन का एक रूफ लगा देते हैं जिसके थ्रू जो है किसी भी तरीके का ऑक्सीजन बाहर ना जाए, और आप देख पा रहे हो कि जो प्लांट है बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रोथ करता है. दैट मीन्स ये तो बात समझ में आ गई कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के जर्मिनेशन के लिए सॉइल हो ये ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट क्या है, मेथड इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट इन द प्योरीफाई वाटर, स्पेसिफिक मिनरल्स न्यूट्रिशन सॉल्ट सोल्यूशन इज एरेटेटेड फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ. दैट मीन्स एरेटेटेड मीन्स मतलब होता है वही ऑक्सीजन को पानी के साथ में मिलाना. तो एक ऐसा मेथड जिसमें प्लांट का ग्रोथ छुपा हो, जिसमें प्योरीफाई वाटर यूज़ करते हो आप लोग, स्पेसिफिक मिनरल्स लिए जाते हैं ताकि प्लांट का अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके.
न्यूट्रोसन सॉल्ट सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और प्लांट का जो ऑप्टिमम ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड इज अ डिटरमाइन एडिंग रिमूविंग मिनरल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई एसेंशियल एलिमेंट और डिफिशियंसी। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, ये आप देख सकते हो हाइड्रोपोनिक यूजिंग द न्यूट्रिशन फिल्म टेक्निक। ये एक सिंपल टेक्निक है जिसकी मदद से आप बहुत सारे प्लांट को एक साथ लगा सकते हो और इन प्लांटों को एक साथ लगाने के से आपका ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों, ओके, प्लांट के ग्रोथ में। और साथ में इस सब पूरे टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में आप देखोगे कहीं भी सॉइल हो ये ज़रूरी नहीं है, विदाउट सॉइल भी यहाँ जर्मिनेशन और परिपक्वता प्लांटों में आ रही है, ओके। तो ये एक तरीके की टेक्निक है जिसमें एक इस तरीके के कंटेनर लिया गया है और इसमें पानी को बहाया जाता है जो कि न्यूट्रिशन फिल कंटेनर, न्यूट्रिशन भरा हुआ है उस पानी में, और ऊपर जो है कुछ प्लांट लगाए जाते हैं जिसका रूट वाला हिस्सा जो है इस पानी को या इस वाटर सॉल्यूशन को टच कर रहा होता है और यहाँ से यही जो है पानी आकर के इस कंटेनर में जा करके इकट्ठा हो जाती है, ओके। और इस कंटेनर में फिर आपका एयर प्योरीफाई लगा हुआ है ताकि एयर को भी मिलाया जा सके, ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जा सके, ओके। और साथ में इसमें न्यूट्रिशन को भी फुलफिल रहे इसके लिए ऊपर से न्यूट्रिशन भी इसमें मिक्स किए जाते हैं और यही पाइप जो है यहाँ से होते हुए दोबारा यहाँ से आकर के फिर से इसी में सर्वाइव करने लगती है, इसी में चलने लगता है और लगातार ये पानी बहती रहती है और बहने की वजह से इनका जो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत बेटर और अच्छे तरीके से हो पाता है बच्चों, ओके। ये देख सकते हो हाइड्रोपोनिक कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल सच एज द टोमेटो सीडलेस कुकुम्बर एंड द लोटस। इनकी भी जो स्टडी है बहुत अच्छे तरीके से, इनकी खेती भी जो है आपको हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू की जाती है। तो हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, प्रसिद्धि हासिल कर रहा है, जिसमें आप जो है इनकी सिर्फ रूट को न्यूट्रिशन दीजिए, इसके रूट को ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो है प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, वेजिटेबल बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पाते हैं, ओके। इसमें टोमेटो जैसे वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता है, सीडलेस कुकुम्बर का यूज़ किया जाता है और लेट्यूस का भी यूज़ किया जाता है इनके प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक अच्छा टेक्निक हो सकता है। आगे देखते हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल ऑफ द मिनरल्स, किस कहाँ मतलब वो क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ये डिसाइड कर पाएं कि कितना एसेंशियल है मिनरल्स, ओके। मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इंटर प्लांट रूट, दैट मीन्स जो मिनरल्स रहते हैं वह आपके सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, और ये प्लांट के रूट द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं ताकि प्लांट का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट या ग्रोथ हो सके। क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियल ऑफ मिनरल्स एलिमेंट, वह क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ये बताएं कि कितना एसेंशियल होते हैं मिनरल्स और एलिमेंट, ओके। ये तीन पॉइंटों में हम क्राइटेरिया को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ, दैट मीन्स जो एलिमेंट है जो आपके सॉइल में मिनरल्स है वह प्लांट के एसेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एसेंशियल ग्रोथ और नॉर्मल ग्रोथ के लिए और सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी उनका हो और उनमें सीड भी आए, उनमें फ्रूट भी आए, इसके लिए भी बेहद ज़रूरी है कि जो एलिमेंट है उनका रोल है इन दो चीज़ों में, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड, दैट मीन्स यदि ये एलिमेंट एब्सेंट रहे प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल में तो ऐसे कंडीशन पे जो प्लांट है वह कंप्लीट नहीं कर पाता अपनी लाइफ साइकिल को और साथ ही वह सीड को भी सेट नहीं कर पाता, सीड को भी नहीं ले पाता, परिपक्वता मैच्योरिटी नहीं आते उसमें, फ्रूट सही तरीके से कहाँ परिपक्व नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, ओके। यदि एलिमेंट के इन एलिमेंटों की कमी हुई तो बी नंबर क्या बोलता है बच्चों, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, दैट मीन्स जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंटों का, तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट प्लांट को पड़े ये जरूरी नहीं है, उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ती है एंड नॉट रिप्लेसेबल बाई द अनदर एलिमेंट। और साथ में यदि कैल्शियम की जरूरत प्लांट को पड़ी है तो वो कैल्शियम ही प्लांट को मिले, उसकी जगह पर कोई और एलिमेंट नहीं दे सकते, हम रिप्लेसेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, इन द अदर वर्ड डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट, यदि किसी वन एलिमेंट की कमी हो गई, मिनरल्स में यदि किसी वन एलिमेंट की कमी हो गई तो इससे क्या होगा
कैन नॉट बी नेट बाय द सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट, तो ऐसे केसेस पर दूसरे एलिमेंट की सप्लाई भी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। द एलिमेंट थर्ड जो इसका सी नंबर है क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स का, वह बोलता है कि जो एलिमेंट है मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म टू द प्लांट, मतलब प्लांट के मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कौन बच्चों, एलिमेंट। ओके आगे बढ़ेंगे, देख सकते हो बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट बाय प्लांट, मतलब यदि हम देखें कि कितना क्वांटिटी मिनरल्स की प्लांट को चाहिए उसके बेसिस पर हम मिनरल्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है आपका बच्चों मैक्रो न्यूट्रिशन, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिशन, दोनों को एक एक करके देखेंगे। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ की यदि प्लांट को जरूरत होती है तो वो हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिशन। कैसे, लार्ज अमाउंट इन प्लांट टिश्यू, जो लार्ज अमाउंट इन प्लांट टिश्यू रहता है इन एक्सेस ऑफ द 10 मोल किलो पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ओके इसके साथ ही मैक्रो न्यूट्रिशन पे हम शामिल करते हैं बच्चों कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, सल्फर को, पोटेशियम को, कैल्शियम को एंड मैग्नीशियम को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सॉइल। तो ये बहुत हाई क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए तभी प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। और ऐसी चीज़ें या ऐसे एलिमेंट जो कि प्लांट को बहुत कम मात्रा में चाहिए वो कौन कौन से हैं, तो देखिए ट्रेस द एलिमेंट लेस देन द 10 मोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर, दैट मीन्स आयरन कम मात्रा में चाहिए, मैग्नीज थोड़े से कम लेस में चाहिए, कॉपर, देन द मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकिल जो है इस प्लांट को बहुत कम मात्रा में इन एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। हायर प्लांट में क्या है बच्चों, हायर प्लांट में सोडियम अच्छे मात्रा में रहनी चाहिए, सिलिका, कोबाल्ट और सेलेनियम की जो है क्वांटिटी वह अच्छे तरीके से बना रहे, ये भी जरूरी होता है। ओके नेक्स्ट इसका आपका स्लाइड क्या बोलता है देखते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से यह प्लांट को ज़रूरत होते हैं इसके बारे में भी आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शन, दैट मीन्स उन एलिमेंटों को क्लासिफाई करेंगे उनकी फंक्शन के बेसिस पर कि कौन किस तरीके का काम करता है। ओके बेस्ड ऑन द डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पर हम इसको चार कैटेगरी में बांटते हैं बच्चों, इन एलिमेंटों को चार कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है स्ट्रक्चर में एलिमेंट, दूसरे कैटेगरी का नाम है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, तीसरे कैटेगरी का नाम है एलिमेंट एक्टिवेट एंड द इनहिबिट एंजाइम, चौथे कैटेगरी का नाम है एलिमेंट अल्टरिंग वाटर पोटेंशियल। ओके तो चलिए वन बाई वन एक सबको कंप्लीट करते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द फंक्शन है, तो स्ट्रक्चर एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है जो पार्टिसिपेशन देते हैं देखते बच्चों। कंपोनेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, मतलब वो सारा बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट, जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड की और न्यूक्लिक एसिड की। ओके तो ये सारे के सारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो है स्ट्रक्चर एलिमेंट के अंदर आते हैं और इसमें आपका कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट वाला क्या है बच्चों नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और स्ट्रक्चर एलिमेंट में हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं। बात करते हैं दूसरे नंबर की, दैट इज़ द एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, तो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड में वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए उसको अपन लोग देखेंगे। एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड प्रोवाइड द एनर्जी टू प्लांट, ओके तो ये एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड होते हैं, यह प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके, अच्छे से डेवलपमेंट कर सके और डैमेज सेल का प्रिपेयर कर सके या रिपेयर कर सके। ओके बच्चों देखिए मैग्नीशियम इन द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मैग्नीशियम जो है इन द क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन द ATP की फॉर्म पर एनर्जी जरूरत पड़ती है। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शन की बात करें तो तीसरा नंबर जो है वह एलिमेंट एक्टिवेटेड और इनहेबिटेड एंजाइम। एंजाइम का क्या रोल है, एक्टिवेट और इनहेबिटेड एंजाइम ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, दैट मींस प्लांट के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म में एक्टिवेट करने के लिए इन एंजाइमों की जरूरत पड़ती है। उसमें हम बात करते हैं Mg2 की, दैट इज अ मैग्नीशियम आयन, एक्टिवेटर होता है रेबलोज 22 फॉस्फेट और कार्बोक्सिलिजिनेज और द फास्फोनॉल एंड पायरूबेट। उसके बाद क्या है बच्चों कार्बोक्सिलेज, देन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, जिंक प्लस आयन एंड एक्टिवेटर ऑफ द एल्कोहल, दैट इज द हाइड्रोजिनोज एंड द MO ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस
नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि मेटाबॉलिज्म के जितने भी काम प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ों की सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कई एंजाइम आपके शामिल है, रेबुलोज बाइफॉस्फेट है, कार्बोक्सिलेज जिनेज है, और फास्फोनल प्राइवेट पायरूवेट है, कार्बोक्सिलेज है, ये है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन है, और जिंक प्लस आयन को एक्टिवेट करने के लिए आपके कौन से हैं, एल्कोहल डाइहाइड्रोजनेज है, एमओ को एक्टिवेट करने के लिए नाइट्रोजनस जीन है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म है। ओके, चौथे नंबर की बात करते हैं, चौथे नंबर में बात करेंगे हम एलिमेंट अल्टरिंग वाटर पोटेंशियल की। तो ओके, तो अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो सेल का होता है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो पोटेशियम है वह ओपनिंग करने का काम करता है, किसको, स्टोमेटा को, ओपनिंग और क्लोज करने का जो रेगुलेशन है वह एक मिनरल्स के द्वारा किया जाता है, दैट इज द पोटेशियम। ओके, पोटेशियम एक तरीके का एलिमेंट है और मिनरल्स भी है प्लांट के लिए, तो यह डिसाइड करता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम को, रेगुलेट करता है वाटर पोटेंशियल को ऑफ द सेल को भी। ओके, कौन, पोटेशियम। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से देख सकते हो इन न्यूट्रिशन का नाम क्या है, कहाँ से मिलते हैं और किस तरीके से ये फंक्शन को अंजाम देते हैं। देखिए, एलिमेंट ऑप्टेन एज अ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है कई फॉर्म पे प्लांट को मिल पाता है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड आयन और NH3 या NH4 के, दैट मीन्स अमोनिया के फॉर्म पर भी मिल पाता है। दूसरे हम बात करेंगे फास्फोरस की, जिसको कि आपको कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये H2PO4 के तौर पर प्लांट को जरूरत पड़ती है, और HPO4 के तौर पर प्लांट को जरूरत पड़ती है। प्लांट का कौन सा रीजन है जो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है जिसको, और प्लांट का कौन सा रीजन है जिसको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, थ्रू आउट ऑफ द प्लांट बॉडी, पर्टिकुलर इन द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, यंगर टिश्यू जो रहते हैं विदड्रॉन फ्रॉम द ओल्डर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल को जरूरत पड़ती है फास्फोरस की। फंक्शन क्या रहता है, नाइट्रोजन काम क्या करता है जाके प्लांट में, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन का और हार्मोन्स का। ओके, फास्फोरस का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल का, मेम्ब्रेन का। ओके, कंटेन करके रखता है प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड्स को, नीडेड टू ऑल फोटो हाइड्रोलेशन रिएक्शन और फास्फोरिलेशन रिएक्शन पे भी फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिफेंसेसिस सिम्टम्स क्या है, यदि ये एलिमेंट दैट इज द नाइट्रोजन और फास्फोरस यदि प्लांट को कमी होने लगे तो किस तरीके के सिम्टम्स प्लांट शो करते हैं, तो ये है क्लोरोरेसिस, दैट मीन्स क्लोरोरेसिस मतलब क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है, डर्मेंसी ऑफ द लेटरल बड्स में इफेक्ट पड़ता है, लेट फ्लावरिंग आते हैं। ओके, पर्पल कलरेशन हो जाता है सूट एक्सिस का। ओके, और व्रिंकल ग्रेन्स होते हैं, जो इनके सीड रहते हैं वह सिकुड़े हुए और छोटे किस्म के आते हैं, एंड इनहेबिटेड ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस में भी ये क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। और ये इस तरीके के यदि किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देती हैं तो ऐसे केसेस पर प्लांट को हमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोवाइड करवानी चाहिए। फास्फोरस के केस में क्या है, डिले इन द सीड जर्मिनेशन, दैट मीन्स यदि हमने सीड को सोविंग किया सॉइल में, ओके, और जर्मिनेशन जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो इस केसेस के ये किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द फास्फोरस की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है, पर्पल स्पॉट ऑन द लीफ के ऊपर पर्पल स्पॉट आ जाता है, तो वो फास्फोरस की कमी को बताता है। ओके, और परमेचर फॉल ऑफ लीफ एंड द फ्लावर बड्स, और साथ में लगातार फ्लावर लीफ का और फ्लावर बड्स का लगातार गिरना भी एक तरीके का सिम्टम्स है, डेफिशिएंसी सिम्टम है किसका बच्चों, फास्फोरस का। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करेंगे और उनमें किन किन तरीकों के फंक्शन को अंजाम देते हैं प्लांट बॉडी में देखेंगे। दैट इज अ पोटेशियम, पोटेशियम में क्या है बच्चों, यहां देख लेना आप पहले ना कि किसका है, यस, रीजन ऑफ द कौन सा रीजन जिसको प्लांट को जरूरत पड़ती है, काम क्या है और डेफिशिएंसी क्या है। ओके, तो पोटेशियम की जरूरत जो है बड्स को पड़ती है, लीफ को पड़ती है, रूट टिप को पड़ती है, आल्सो इन द मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को भी पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम की जरूरत मेरिस्टोमेटिक टिश्यू को पड़ती है, माइटोसिस स्पेंडल फॉर्मेशन के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। फंक्शन क्या है, ऑनियन कैटायन बैलेंसिंग को मैकेनिज्म सेल के अंदर जो है एनायन और कैटायन के बैलेंसिंग को कंप्लीट करते हैं पोटेशियम। दूसरा क्या है, प्रोटीन सिंथेटिक में मददगार होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा टारगेटली ऑफ द सेल, और साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा को भी क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, कौन, पोटेशियम प्लांट में। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए कैल्शियम का फंक्शन क्या है, इन्वॉल्विंग इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल,
समान फंक्शन सेल के में भी ये हमेशा मदद करता है, शामिल रहता है। ओके, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, और साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो रहती है किसके बच्चों, प्लांट का, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, और साथ में सेल वॉल के सिंथेसिस में भी यह मददगार होता है। फाउंड इन द कैल्शियम पिक्टेट इन द मिडिल लेमा, ओके, और मिडिल लेमा में कैल्शियम पैक्टेट के तौर पर यह पाया जाता है, कौन, कैल्शियम। तो इसका हमने अभी फंक्शन भी देख लिया, अब देखते हैं कि डिफिशियंसी से कौन कौन से सिम्टम आते हैं। पोटेशियम के से जो कमी है उसकी वजह से आपका क्या है बच्चों, क्लोरोसिस इन द इंटरवेनल एरिया में क्लोरोसिस होने लगता है। स्कॉर्च लीफ टिप में स्कॉर्च दिखाई देती है। सॉर्टेड इंटरनोड रहते हैं, इंटरनोड जो रहते हैं वो सॉर्टेड होने लगते हैं। और डाई बैक लॉस ऑफ द एपिकल पार्ट, ओके, डोमिनेंस, दूसरा क्या है, डोमिनेंस लॉस ऑफ द कैम्बियल एक्टिविटी, दैट मीन्स डोमिनेंस में यदि हम देखें तो कैम्बियल एक्टिविटी की लॉस होती है। एंड डिजिंट्रीग्रेशन ऑफ द प्लास्टिक्स एंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, और कैल्शियम की डिफिशेंसी की वजह से इंक्रीजिंग हो जाती है रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ द एपिकल डोमिनेंस, और साथ में एपिकल डोमिनेंस की भी लॉस यदि प्लांट में दिखाई देता है तो हम ये समझते हैं बच्चों कि कहीं ना कहीं प्लांट को किसकी कमी हो रही है, पोटेशियम की कमी हो रही है, और उसको हमें जल्दी से कंप्लीट करनी चाहिए। कैल्शियम की कमी की वजह से कुछ किस तरीके के आते हैं बच्चों, नेक्रोसिस और स्टंटेड ग्रोथ होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, नेक्रोसिस होता है और स्टंटेड ग्रोथ, दैट मीन्स ग्रोथ में थोड़ी सी रुकावट आती है कैल्शियम की कमी की वजह से प्लांटों में। आगे देखिए, मैग्नीशियम की कमी की वजह से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैग्नीशियम लीफ, इट इज़ द विथड्रॉल फ्रॉम द एजेंसी लीफ एंड द ट्रांसपोर्ट टू द डेवलपमेंट सीड, ओके, तो ट्रांसपोर्ट में मैग्नीस का बहुत ज़्यादा मदद रहता है, और डेवलपमेंट ऑफ सीड में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, मैग्नीशियम। दूसरा क्या है, सल्फर यंग लीफ में इंपॉर्टेंट रोल लेता है, यंग लीफों के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेम और रूट टिप के लिए भी सल्फर का होना बेहद जरूरी है। आयरन के क्या है, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ओके, पर्टिकुलरली फाउंड अलॉन्ग द लीफ बीन्स जो रहते हैं, लीफ बीन्स किसको बोलते हैं, लीफ, ये है लीफ के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है जिसको आप लोग लीफ बीन्स बोलते हैं, ओके, लेमा के अंदर वाला हिस्सा लीफ बीन्स कहलाते हैं। तो उसके भी सही प्रॉपर ढंग से डेवलपमेंट हो सके इसके लिए हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। फंक्शन क्या है, मैग्नीशियम सल्फर और आयरन ये काम क्या करते हैं प्लांट बॉडी में, तो देखिए, इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फॉर्फोरिन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फॉर्फोरिन रिंग स्ट्रक्चर में मददगार होता है, कौन बच्चों, मैग्नीज। स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम मेंटेन, मतलब जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी मैग्नीज की जरूरत पड़ती है, और साथ में एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर के तौर पर भी यूज किया जाता है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस में। सल्फर का क्या फंक्शन है, सल्फर जो है क्या करता है बच्चों, सेंटेन एंड द मैथियोनिन अमीनो एसिड कंटेन सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फेरोक्सिन प्रोटीन एंड विटामिन थायमिन बायोटिन एंड द को एंजाइम, ओके, तो इन क्षेत्रों में उसका फंक्शन रहता है, किसका बच्चों, सल्फर का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लाइक द फेरोक्सिन प्रोटीन एंड द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड इंटर कन्वर्ट इट सेल्फ आयरन 2+ आयन इंटू द आयरन 3+ आयन क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड द कैटालेस एक्टिवेटर। तो यहाँ मुझे मेरे ख्याल से कि आयरन में यदि किसी तरीके से फंक्शन को आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप दो चीज़ों को दिमाग में रखिए कि यह क्लोरोफिल फॉर्मेशन पे मददगार होता है और कैटालेस के एक्टिवेटर के तौर पर भी ये काम करता है। ओके, बात करते हैं किसकी, मैग्नीज की डिफिशेंसी सिम्टम्स की। तो मैग्नीज की कमी यदि प्लांटों में होता है तो वेनियल क्लोरोसिस और नेक्रोटिक पर्पल स्पॉट आ जाते हैं ओल्डर लीफ में, पुराने जो लीफ रहते हैं प्लांट में उसमें कुछ पर्पल कलर के स्पॉट धब्बे आ जाते हैं, प्रेमेचर लीफ फॉल और लगातार जो पत्ते गिरने की समस्या है वह लगातार बढ़ने लगती है मैग्नीज की कमी की वजह से। ओके, सल्फर की कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है बच्चों, क्लोरोसिस देखने को मिलता है, ग्रोथ में इफेक्ट करता है, एक्युमुलेशन हो जाता है एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट का, और रिडक्शन हो जाता है किसका, नोड्यूल फॉर्मेशन में और लेग्यूमिनस प्लांट में, और साथ में डिफोलिएशन हो जाती है किसकी, टी लीफ की, मतलब जो टी लीफ है वह भी लगातार गिरने लगते हैं। आयरन का क्या है, आयरन जो है क्लोरोसिस और टाइपिकली सिम्टम्स को शो करता है, और आयरन डिफिशेंसी की वजह से भी प्लांट में अलग अलग तरीके के, मतलब
इंडिकेटर देखने को मिलते हैं कि आयरन की कमी हो रही है। तो ये दो चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली, आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज़ अ मैगनीज, दैट इज़ Mn, जिंक की, कॉपर की स्टडी करेंगे। ओके, तो इनका फंक्शन एरिया क्या है और इनका फंक्शन क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं, देखते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए जिंक फंक्शन मैगनीज का देख लेते हैं। फाउंड इन द सीड एंड लीफ, जो मैगनीज है वह प्लांट के सीड और लीफ में स्पेशल रीजन में फंक्शन करने का काम करता है। दूसरा, जिंक का प्लांट बॉडी में हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉपर जो है प्लांट बॉडी में ये भी मददगार होता है। इनका फंक्शन क्या है बच्चों, मैग्नीज का फंक्शन है एक्टिवेशन करता है किसको, कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है, और फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर में भी मददगार होता है। जिंक किस तरीके से फंक्शन है इसका, एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेज को जो एक तरीके का एंजाइम है, ऑक्सिन जो एक तरीके का ऑक्सिन आर द सिंथेसाइज्ड पार्ट ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंड वेरियस डिहाइड्रेजनेस। ओके, तो अलग अलग तरीके के डिहाइड्रेनेस के मैं हिस्सा लेता है। ओके, कॉपर का क्या है, कंट्रोल करता है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को। कॉपर जो है प्लांट में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बच्चों, एक्टिवेटर एंजाइम के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में मददगार होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इनके डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो देखिए क्लोरोलिसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रे स्पॉट ऑन द लीफ ऑट प्लांट। ओके, तो ऑट प्लांट में ग्रे कलर के स्पॉट आ जाते हैं लीफ में, तो ये भी एक डिफिशियंसी किसका, मैग्नीज का। जिंक की क्या है, क्लोरोलिसिस इंटरविनल होते हैं, डिफॉर्मेड लीव होता है और स्टैंडर्ड ग्रोथ को इफेक्ट करता है। ओके, और कॉपर की वजह से नेक्रोसिस ऑफ द टिप ऑफ द यंग लीव एंड डी बैक ऑफ द सूट। ओके, ये इसके कॉपर के डिफिशियंसी की वजह से आने वाले सिम्टम्स हैं। आगे देखिए, बोरॉन है, देन इसके बाद आपका मॉलीबेडनम है और क्लोरीन है। सीड एंड लीफ में वाले एरिया में बोरॉन की जरूरत पड़ती है, प्लांट बॉडी के साथ में पार्टिकुलर रूट में जरूरत पड़ती है, प्लांट बॉडी में क्लोरीन की भी जरूरत पड़ती है। फंक्शन क्या है, अपटेक एंड द यूटिलाइज ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम को ऊपर ले जाते हैं बोरॉन और उसके बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं। मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए हेल्पगार है, पोलन ग्राम जर्मिनेशन के लिए भी मददगार होता है बोरॉन। ओके, सेल एलंगेशन के लिए। ओके, डिफरेंटिएट एंड द कार्बोहाइड्रेट एंड द ट्रांसलोकेशन में भी मददगार होता है बोरॉन। नेक्स्ट क्या है, मॉलीबेडनम का यूज है किसमें किया जाता है, नाइट्रोजनस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में। ओके, ये किसका यूज होता है, मॉलीबेडनम का। एंड क्लोरीन का, इट डिटरमाइन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है, एनआयआर और कैनायन को सेल के अंदर बैलेंस करके रखता है बच्चों। कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रली पोटेशियम आयन को ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा सेल। नेक्स्ट इनका सिम्टम्स क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम देखते हैं। डेथ ऑफ द रूट एंड सूट टिप, मतलब लगातार रूट और सीट टिप का डेथ होने लगता है। डोमिनेंस एपिकल पार्ट के लॉस होने लगती है। ओके, फ्लावरिंग में इफेक्ट करता है, फ्रूट साइज में इफेक्ट करता है, डेवलपमेंट ऑफ रूट में इफेक्ट करता है। तो इस तरीके की यदि समस्याएं या सिम्टम्स आते हैं तो हम ऐसे केसेस पर जो प्लांट है उसको बोरॉन की कमी हो रही है और उसको हमें जल्द से जल्द फुलफिल करनी चाहिए। मॉलीबेडनम में क्या है, रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ एंड द इंटरवल क्लोरोसिस, दैट मीन्स ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है, और इफेक्ट यदि आती है तो मॉलीबेडनम की भी हमें अच्छे क्वांटिटी प्लांट को प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों। क्लोरीन का क्या है, ग्रोथ में इफेक्ट करता है, लीफ गड़बड़ होने लगते हैं और फ्रूटिंग में रिडक्शन आती है, मतलब जो फ्रूट है उनमें कमी आने लगती है, उनके प्रोडक्शन पे कमी आने लगती है, तो वो किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से है। आगे देखते हैं, आगे देखिए टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिशन, किस तरीके से माइक्रोन्यूट्रिशन जो है टॉक्सिसिटी बनाने लगता है प्लांट के लिए, इसी को अपन लोग समझेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिशन यह कैसे टॉक्सिक हो सकता है प्लांट के लिए देखेंगे। माइक्रोन्यूट्रिशन लो अमाउंट, यदि माइक्रोन्यूट्रिशन को लो अमाउंट में मिला तो ऐसे में क्या होंगे, डिक्रीज डिफिशियंसी, मॉडरेट इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी। ओके, दैट मीन्स डिक्रीज और डिफिशियंसी की वजह से और मॉडरेट की वजह से जो टॉक्सिसिटी है वह बढ़ने लगती है। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जहरीलापन या प्लांट के लिए जो अच्छा ना हो।
एनी मिनरल्स आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाई अबाउट 10% ऑफ द कॉन्सिडरेटेड टॉक्सिक। और साथ में यहाँ क्या बोला गया, किसी भी मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू के अंदर वो क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, ड्राई वेट को, किसके, टिश्यू के, किसकी मदद के द्वारा, अबाउट 10% ऑफ द कॉन्सिडर टॉक्सिक। नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वेरी, टॉक्सिटिक लेवल वेरी विद द डिफरेंट प्लांट, एक्सेस माइक्रोन्यूट्रिएशन टॉक्सिसिटी, एग्जांपल द मैगनीज एंड द टॉक्सिसिटी। ओके, मैगनीज है एक तरीके का टॉक्सिसिटी ही, एक्सेस माइक्रोनिज्म के टॉक्सिसिटी में देखें तो ये प्लांट को देख सकते हो आप लोग, हेल्दी और मैगनीज टॉक्सिसिटी में दोनों में फर्क क्या है। मैगनीज भी एक तरीके से प्लांटों के लिए अच्छा नहीं होता, यदि उसकी कमी होने लगे या वह ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो। मैगनीज टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो देखिए इसमें ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं क्लोरेटिक वीन्स में। क्लोरेटिक वीन्स क्या हैं पता है बच्चों, ये यहाँ वाले एरिया रहेंगे, इसमें कौन से कलर आ जाते हैं देखिए, ब्राउन स्पॉट आने लगते हैं जगह जगह। ओके, मोड ऑफ द टॉक्सिसिटी किस तरीके के मोड रहता है, मैगनीज कंपटेटेड विथ आयरन एंड मैगनीज फॉर अपटेक, मैग्नीज फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम, मैग्नीज जो है बाइंडिंग करता है एंजाइम को। थर्ड क्या है, इनहेबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सूट एपेक्स में, रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, एक्सेस ऑफ द मैग्नीज इंड्यूस डिफिशेंसी ऑफ आयरन, जो मैग्नीज के एक्सेस की वजह से आयरन की डिफिशेंसी होने लगती है मैग्नीज एंड कैल्शियम की। ओके, आगे बढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एलिमेंट, ये अच्छा टॉपिक है कि किस तरीके से इन एलिमेंट का ऑब्जॉर्प्शन होता है, किस तरीके से ये प्लांट बॉडी द्वारा सोखे जाते हैं। स्टडी कैरिड ऑन द सेल टिश्यू ऑर्गन अकर इन द टू फेजेस, तो यदि हम स्टडी करते हैं किसकी, सेल की, टिश्यू की, ऑर्गन की, कि ये किस तरीके से चीज़ों को कैरी करते हैं, एलिमेंटों को। ओके, तो इसके दो फेजेस में इसको अपन लोग समझते हैं। फर्स्ट फेज क्या है, रैपिड अपटेक ऑफ द आयन, लगातार बहुत जल्दी जल्दी से आयन को ऑब्जर्व कर लेना, फ्री स्पेस आउटर स्पेस, द एपोप्लास्ट पैसिव अकर्स थ्रू आयन चैनल, द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विच फंक्शन एज अ सेलेक्टिव पोर। ओके, और दूसरा हो सकता है कि इन आयन का जो टेकिंग सिस्टम है वह स्लोवली हो। ओके, इनर स्पेस रहेगा, शेम प्लास्टिक एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द आयन रिक्वायर मेटाबोलिज्म एनर्जी, मतलब आयन को आने के लिए और जाने के लिए दोनों में मेटाबोलिज्म एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये दूसरा फेज हो गया बच्चों, ये पहले वाले में इस तरीके से नहीं होता, सेलेक्टिव पोर्स होते हैं ऐसे फंक्शन को अंजाम देने के लिए। इनवर्ड मूवमेंट क्या होगा, इन्फ्लुएंस आउटर मूवमेंट इन्फ्लुएंस। ओके, ट्रांसलोकेशन ऑफ सेल्यूट, सेल्यूट का ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है, अकर्स थ्रू द जाइलम अलोन विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर, दैट मीन्स जाइलम के द्वारा कंप्लीट की जाती है या ट्रांसलोकेशन ऑफ द सेल्यूट का, विच इज पुलेड आउट, वो क्या करता है, पुलेड अप करता है, ऊपर खींचता है थ्रू द प्लांट बाय द ट्रांसपायरेशन पुल, किसके द्वारा, ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा वाटर को ऊपर खींचता है लगातार। जाइलम सेफ क्या है, मिनरल सॉल्ट, जाइलम सेल्फ मिनरल सॉल्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे, सॉइल एंड रिजर्वायर ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। ओके, जो सॉइल है, मिट्टी है बच्चों, वह एक भंडार है मिनरल्स का, एलिमेंटों का, किस तरीके से, न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेदरिंग एंड द बैकडाउन ऑफ द रॉक। तो जो न्यूट्रिशन है वह प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वेदरिंग हेल्प करता है ब्रेक डाउन रॉक को ब्रेक डाउन करने के लिए। इनरिच सॉइल विद द डिजॉल्व आयन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और साथ में जो ऐसा सॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिजॉल्व है, आयन डिजॉल्व है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट डिजॉल्व है, सिंस न्यूट्रिशन डेराइव्ड फ्रॉम रॉक मिनरल्स, और जो न्यूट्रिशन है वह लिया गया है रॉक मिनरल से, टू दे सो देयर रोल मिनरल्स न्यूट्रिशन। ओके, तीसरा क्या है, क्या सॉइल किस तरीके से रिजर्वायर है एसेंशियल एलिमेंटों का। अदर फंक्शन ऑफ द सॉइल, दूसरा फंक्शन जो है सॉइल का वह है, हार्बर नाइट्रोजन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए मददगार होता है माइक्रोब्स में, वाटर को होल्ड करके रखता है, सप्लाई एयर करता है रूट को, और एक्ट एज अ मैट्रिक्स एक्ट करता है, इस्टेब्लिश करता है प्लांट को।
डिफिशेंसी ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिशन, यदि माइक्रो न्यूट्रिशन जो मैक्रो न्यूट्रिशन जो हैं जो इस तरह हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम और सल्फर, ये माइक्रो न्यूट्रिशन है और माइक्रो न्यूट्रिशन पे आपका जाएगा कॉपर जिंक आयरन मैग्नीज एक्सेट्रा सप्लाई थ्रू द फर्टिलाइजर्स एज पर नीड, जितना ज़रूरत होता है तो फर्टिलाइजर्स के थ्रू इसको सप्लाई की जाती है। तो सॉइल का क्या यूजेस था, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है सॉइल रहे, सॉइल में ही अच्छी मात्रा में आपके आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट और साथ में मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वह आपके रॉक मिनरल्स से लाए गए हैं। और नेक्स्ट क्या था, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया फिक्सेशन, माइक्रोब्स, होल्ड वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन सब को एक्ट करने का काम भी वह सॉइल का ही है। ओके आगे बढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म क्या देखेंगे। नाइट्रोजन माइक्रो न्यूट्रिशन कॉन्सिस्ट ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन हार्मोन्स क्लोरोफिल एंड विटामिन। नाइट्रोजन की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिशन में जब हम पढ़ते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिशन जो है अपने साथ में अमीनो एसिड को रख के रखता है, प्रोटीन रहेगी, हार्मोन्स रहेंगे, क्लोरोफिल रहेंगे और विटामिन रहेंगे। प्लांट को जो नाइट्रोजन है वह मिल पाता है किसके थ्रू, द्वारा बच्चों सॉइल के थ्रू मिल पाता है और लिमिटेड में मिल पाता है किसे, एंड फ्रॉम द एयर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन भी उसको मिल पाता है किस फॉर्म पर, नाइट्रेट के फॉर्म पर। प्लांट हैव टू कम्पीट विथ माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल, तो जो प्लांट है उसको उतना ही नाइट्रोजन मिल पाता है जितना सॉइल में प्रेजेंट रहे और उसको यदि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन चाहिए कि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की मांग है तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रोजन में देखें नाइट्रोजन साइकिल का होना बहुत जरूरी है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से हिस्से पार्टिसिपेशन लेते हैं इसी को देखिए, डेफिनेशन क्या होगा नाइट्रोजन साइकिल का, अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन प्रोसेस सक्सेसफुली फ्रॉम एयर टू द सॉइल टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एयर सॉइल इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीके एंड द डी नाइट्रिफिकेशन। दैट मीन्स नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल में आप आसानी से कुछ चीज़ों को शामिल करते हो सकते हो बच्चों, जैसे कि लगातार कंटिन्यू सीरीज है, नेचुरल प्रोसेस है कि नाइट्रोजन जो है पास होता रहे एयर से सॉइल की ओर, सॉइल से एयर में कम बैक होता रहे और इस तरीके के प्रिंसिपल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन को अंजाम देते हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीके एंड द डी नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। ओके द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल में तीन चीज़ें, चार चीज़ों को शामिल किया गया है बच्चों, दैट इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होता है अमोनिफिकेशन, तीसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा होता है डी नाइट्रिफिकेशन। क्या मतलब इनका देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, तो दलहनी फसलों को बात कर रहे थे दलहनी फसलों को नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दलहनी फसलों में होने वाला एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसके थ्रू जो दलहनी फसलें होते हैं, पल्सेस प्लांट होते हैं बच्चों, उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और उतना नाइट्रोजन सॉइल से उन प्लांटों को नहीं मिल पाता, इसी वजह से लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको आप लोग राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं, वह एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म पे नाइट्रेट में बदल देता है और उस नाइट्रेट का यूज़ करके प्लांट अपनी नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल कर लेता है। कैसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, दैट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिससे नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता हो, उसी को अपन लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। लाइटिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कन्वर्ट करता है फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड को, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में, सच एज NO, NO2, N2O। इंडस्ट्रियल कम्बेशन की वजह से फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल्स एक्सॉस्टेड एंड पावर जनरेशन स्टेशन सोर्स ऑफ द एटमोसफेयर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता कैसे है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलने की बहुत वजह हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कम्बेशन की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, फॉरेस्ट फायर की वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से और पावर जनरेटिंग स्टेशन की वजह से भी क्या मिल पाता है आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल पाता है। अब देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है किस तरीके से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज अ सिंपल नाइट्रोजन, व्हेन इट्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट्स फॉर्म द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द NH3, दैट इज द नथिंग बट अमोनिया। ओके अमोनिफिकेशन क्या है, जब अमोनिया बन गया तो अमोनिफिकेशन क्या है,
द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू द अमोनिया. दैट मीन्स जो प्लांट हैं वह एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को डिकम्पोज करके अमोनिया में बदल देते हैं, और इसी प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिफिकेशन. ओके, अमोनिफिकेशन बोलते हैं. अमोनिया वॉलेटाइज एंड री इंटर द एटमोसफियर बट मोस्ट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट. तो जो अमोनिया है वह वॉलेटाइज होता है, यह दोबारा री एंटर करता है एटमोसफियर पे, पर जितने मात्रा में फर्स्ट में यूज़ हुआ था उतने मात्रा में यूज़ दोबारा डिस्पोज नहीं होता है एनवायरमेंट में, क्योंकि आधे से ज़्यादा हिस्सा इसके किस में बदल चुका होता है, नाइट्रेट में बदल चुका होता है. बच्चों आगे बढ़ेंगे. ओके, नाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं. नाइट्रिफिकेशन पे किस तरीके से यूजेस हैं इसके. अमोनिया इज ऑक्साइड टू नाइट्राइट. दैट मीन्स अमोनिया जो है ऑक्सीडाइज होता है और नाइट्राइट में बदल जाता है, और वो किस में बदल जाता है, NO2- आयन में, बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोजोमनस और नाइट्रोकोकस. किसकी मदद से, दो बैक्टीरिया हैं जिनका नाम नाइट्रोजोमनस है और नाइट्रोकोकस है. इन बैक्टीरिया की वजह से जो अमोनिया है ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइट में बदल लेता है अपने आप को, और इसको अपन लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, द नाइट्रिक इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट. और साथ में जब नाइट्रिक एसिड बना तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, एन ओ टू माइनस. जब ये फिर से इसको ऑक्साइड मिलता है तो किस में बदल जाएगा बच्चों, एन ओ थ्री माइनस में, जिसको अपन लोग नाइट्रेट बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर. जिसको किसकी मदद से ये काम करता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्राइट है वह नाइट्रेट में बदल जाता है. दीज नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर द कैमियो ऑटोट्रॉप्स. और साथ में जो ये नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है वह किस नेचर का होता है बच्चों, कैमियो ऑटोट्रॉपस नेचर का होता है. किस तरीके से बदलता है, देखिए, अमोनिया रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड अलोन विद द हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द अगेन ऑक्सीडाइज विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रेट बनके तैयार है, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं लीफ को. ओके, वेयर नाइट्रेट क्या करता है बच्चों, रिड्यूस करता है टू फॉर्म अमोनिया. ओके, रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद अमोनिया फॉर्म कर लेता है फ्रॉम अमीनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड. ओके, डी नाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब है, नाइट्रेट प्रेजेंट रहता है सॉइल में, रिड्यूस होता है टू नाइट्रोजन. किस में रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन में, बाय द प्रोसेस ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है यह आपका नाइट्रेट वह किस में बदल जाता है बच्चों, नाइट्रोजन में बदल जाता है. और डी नाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय द बैक्टीरिया दैट इज द सीडोमोनास एंड द ट्राइबोबैसिलस. ओके, थाइबोबैसिलस दो बैक्टीरिया का नाम है जिसके थ्रू जो है डी नाइट्रिफिकेशन कंप्लीट होता है, जिसमें नाइट्रेट से जो नाइट्रोजन है वह डायरेक्टली बन जाते हैं. ओके, वो दो बैक्टीरियों के नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन किस तरीके से अमोनिया बायोमास में बदलता है, देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगा इसका, अमोनिया में बदल जाएगा. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, अमोनियम बदल जाएगा. इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और अपटेक कर लिया जाएगा प्लांट बायोमास के द्वारा. डीनाइट्रिफिकेशन होगा और दोबारा डीनाइट्रिफिकेशन में अमोनिया या नाइट्रेट जो दोबारा एटमॉस्फेयर पे चली जाती है. ओके, तो ये तीन प्रोसेस जिसके थ्रू जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से इसमें आती है, जबकि ये एक ऐसा प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन के, अमोनिया या नाइट्रेट से किस में बदल जाते हैं बच्चों, एनवायरनमेंट नाइट्रोजन में बदल जाते हैं. अमोनिफिकेशन में क्या मतलब है, अमोनिया का बनना, नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन कहलाता है. ओके ओके, और एनिमल बायोमास से क्या निकलती है आपका, डीके बायोमास निकलता है, डीके बायोमास से अमोनिफिकेशन होता है और अमोनिफिकेशन में ये बन जाते हैं. नेक्स्ट क्या है, डीके बायोमास से प्लांट बायोमास बनेंगे, अपटेक कर लिए जाते. ओके, यहां से अमोनिया से अपटेक कर लिया जाता है प्लांट बायोमास के द्वारा. तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है. आगे देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन टू अमोनिया. मतलब नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन से क्या बदलना है, नाइट्रोजन से क्या बनना है बच्चों, अमोनिया बनना है. ओके,
सर्टेन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया दैट मीन्स सिंगल और सिंपल स्ट्रक्चर लाइक बैक्टीरिया, सिंपल स्ट्रक्चर लाइक बैक्टीरिया, सिंगल क्रोमोसोम बैक्टीरिया ये भी कह सकते हो, और लाख ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरिया भी कह सकते हो. ओके, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, और एंजाइम नाइट्रोजेस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाई एज फॉलो. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रोब्स हैं उसको कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम बोलेंगे फ्री लिविंग, जिसमें कि एरोबिक टाइप से आते हैं, एजटो बैक्टर, बैजनिक किया, और एनारोबिक रहते हैं वो, उसको बोला जाता है रोडोफाइलम, साइनोबैक्टीरिया, और नोस्ट्रक का एनाबेना बैसिलस. तो ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात बताओ बच्चों, ये साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से इसकी स्टडी जो है अपन लोग प्लांट के अंदर करते हैं. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या है, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स क्या हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो कि साथ साथ रहते हैं, जैसे आप देख सकते हो विथ लेग्यूमिनस प्लांट, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट इज नथिंग बट द पल्सेस प्लांट. ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है. ओके, विथ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट फ्रेंकिया, और तो ये सिम्बायोटिक मतलब होता है साथ साथ रहने वाले, राइजोबियम और दूसरा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट रहता है उसमें फ्रेंकिया टाइप से पाए जाते हैं. ओके, देखते हैं आगे. सेम बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पे क्या है, देखिए सेम बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉमनली सीन एन द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप. तो जो सेम बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वह आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं जो लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप के साथ साथ. ओके, जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वह रॉड शेप का होता है, जो कि नोडलेट को फॉर्म करता है रूट और लेग्यूम में, मतलब लेग्यूम प्लांट के रूट में नोड्यूल को फॉर्म करता है कौन, बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि रॉड शेप का रहता है. नोड्यूल क्या है बच्चों, स्मॉल आउटग्रोथ ऑन रूट, जो रूट है उसके बाहर आउटग्रोथ मिलती है उसी को अपन लोग नोड्यूल बोलते हैं. सेंटर पोर्शन ऑफ द नेड्यूल इज अ पिंक, जबकि जो नेड्यूल का सेंटर पोर्शन होता है वह पिंक कलर का होता है. लेग्यूमिनस होमोग्लोबिन और लेग हेमोग्लोबिन. माइक्रोब फ्रेंकिया प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल, जबकि जो माइक्रोब फ्रेंकिया है वह प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स को ऑन द रूट ऑफ द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट. ओके, तो मैं एक बात बोला कि ऐसे प्लांट जो कि लेग्यूमिनस है, पल्सेस प्लांट है, उसमें रहने वाला बैक्टीरिया नोड्यूल बनाता है, और ऐसे एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम फ्रेंकाई है, तो वह ऐसे प्लांटों में रहता है जो कि पल्सेस नहीं होते, नॉन लेग्यूमिनस होते हैं. राइजोबियम और फ्रेंकिया ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, बट एज द सेम बायोंट्स, बट साथ साथ रहने वाले बैक्टीरिया हैं. कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, और ये दोनों मददगार होते हैं एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए. ओके, तो इन दोनों अलग अलग डायग्राम पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये छोटे छोटे नोड्यूल्स बन के आते हैं. नोड्यूल्स का मतलब होता है गांठ, क्या होता है बच्चों, गांठ. ओके, तो इस तरीके की यदि चीज़ें आपको दिखाई देती है तो आप समझ सकते हैं ये बनने वाला गांठ. ओके, कुछ नोड्यूल्स टाइप के, नोड्यूल्स को क्या बताऊं मैं, जैसे ये रूट है, रूट के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर का बन जाना यही कहलाती है नोड्यूल. ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जिसको कि आप लोग राइजोबियम बोलते हो, इसकी वजह से रूट लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में इस तरीके का फॉर्मेशन होता है जिसको आप लोग नोड्यूल बोलते हो. इसको काटें तो पिंक कलर का जो है आपको डॉट दिखाई देता है, जो कि यहाँ देख सकते हो आप. ओके, आगे बढ़ेंगे. नेड्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इंटरसेक्शन बिटवीन राइजोबियम रूट ऑफ होस्ट प्लांट. ओके, तो यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ इंट्रैक्शन होता है किसके किसके बीच में, सबसे पहले नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए इंट्रैक्शन होगा,
राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ साथ होस्ट प्लांट के रूट में, मतलब हो सकता है कि वह चने की प्लांट हो सकता है कि वो मसूर की प्लांट हो सकता है वो पी प्लांट हो, तो इन प्लांटों के रूट के साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया का इंटरेक्शन होता है और इसमें बहुत सारे स्टेप हैं जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन पे मदद करते हैं। कैसे? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बच्चों, वो मल्टीप्लिकेशन करता है, कॉलोनीज बनाता है रूट की अगल बगल। बात समझ में आई क्या बोला लिखा, फर्स्ट वाला लिखा कि राइजोबियम बैक्टीरिया रूट के चारों तरफ मल्टीप्लिकेशन करता है राइजोबियम बैक्टीरिया के, अपने ही जैसे बैक्टीरिया की, और कॉलोनी बनाता है। ओके, इसमें हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो नोड्यूल का फॉर्मेशन पे देखिए, चलो इसको समझा दे रहे हैं नोड्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात तो रूट ऑफ द होस्ट प्लांट, उस प्लांट में जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल का फॉर्मेशन करने वाला है, हो सकता है वो रूट ग्राम प्लांट का हो सकता है वह रूट पी प्लांट का हो सकता है वह रूट क्या बोलते हैं उसको, मसूर के पौधे का हो। तो इन प्लांटों के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया का इंट्रैक्शन होता है और बहुत सारे स्टेप शामिल हैं जिससे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, जो होस्ट प्लांट है उसके रूट के चारों ओर कॉलोनीज बनने लगते हैं, किसके, राइजोबियम बैक्टीरिया के। क्यों? क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करता है और अपनी कॉलोनी बनाने लगता है अराउंड रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। बात समझ में आई? जैसे आप देख सकते हो ये है, ये एक चने का रूट है, ये चने का रूट है। तो सबसे पहले जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वह क्या करेंगे, जगह जगह अपने नंबर को बढ़ाएंगे, ये बनाए मल्टीप्लाई किए तो ओके ये करते हैं। दूसरा क्या है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल, और साथ में जो अटैचमेंट है इन बैक्टीरियों का वह रूट हेयर में एपिडर्मल सेल में होते हैं। एपिडर्मल सेल मतलब आउटर डर्मल सेल ऑफ द रूट हेयर। ओके, बात समझ में आ गई। रूट हेयर कर्ल्स बैक्टीरिया इन्वेटेड रूट हेयर। ओके, द इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरी बैक्टीरिया टू कॉर्टेक्स, और जो इसका इन्फेक्शन है वह स्प्रीड हो जाता है, थ्रेड हो जाता है, प्रोड्यूस होती है बैक्टीरिया टू कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपका रूट का हिस्सा है, एपिडर्मल, एंडोडर्मल, कॉर्टेक्स, और उसके बाद आपका आता है पेरिसाइकिल। ये आपके पहले वाले जो क्लास था, पहले वाला जो चैप्टर था, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। इनिशिएशन ऑफ द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में फर्स्ट टाइम नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। रिलीज ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल विच लीड टू द डिफरेंशिएट ऑफ द स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल। तो बैक्टीरिया जो है रिलीज करता है फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल, जो लीड करता है बच्चों किसको, डिफरेंशिएटेड को, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल को। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला, द नोड्यूल्स दस द फॉर्म्ड, और उसके बाद नाइट्रोजन उसमें लेगनस में रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, इस्टेब्लिश होती है डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन का विद द होस्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि होस्ट के साथ में न्यूट्रिशन का एक्सचेंज आसानी से हो पाए। एक बार और समझेंगे आप लोग क्या लिखा है, देखिए कि नोड्यूल का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहला काम है कि राइजोबियम अपना नंबर को बढ़ाए, कॉलोनी बनाए लेगुमिनस प्लांट के चारों ओर। दूसरा बात, अटैचमेंट हो बैक्टीरिया का एपिडर्मल और रूट हेयर सेल में प्लांट के। तीसरी बात, रूट हेयर कर्ल्स जो रहते हैं और बैक्टीरिया इन्वेट करते हैं रूट हेयर को। चौथी बात, ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है प्रोड्यूस होते हैं और कैरी किए जाते हैं बैक्टीरिया टू कॉर्टेक्स। पांचवी बात, इनिशिएशन टाइम पे नोड्यूल का फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में स्टार्ट होता है। छठी टाइम, बैक्टीरिया रिलीज होते हैं फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रिलीज होते हैं,
जो लीड करते हैं डिफ्रेंशिएट स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल को। और लास्ट में बात ये है कि अब नोड्यूल्स जो है वह फॉर्म हो चुका है, इस्टेब्लिश करता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन से। वास्कुलर कनेक्शन मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम के साथ में कनेक्शन से एक एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, एक एस्टेब्लिशमेंट का कनेक्शन देता है जिससे होस्ट और न्यूट्रिशन के बीच चीज़ों का, होस्ट और बैक्टीरिया के बीच चीज़ों का न्यूट्रिशन का आदान प्रदान या एक्सचेंज आसानी से हो पाए। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके ये देख सकते हो आप, इसको मिटा देता हूँ पहले। ये बच्चों बैक्टीरिया है, अपना कॉलोनी बसा रहे हैं रूट हेयर के अगल बगल, यहाँ भी यहाँ भी, ये सॉइल पार्टिकल है। तो ये रूट हेयर ऐसे निकले रहते हैं, इसके अगल बगल बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बसाते हैं। इसके बाद जो रूट हेयर है वह हुक का फॉर्मेशन करता है और हुक के चारों ओर ये बैक्टीरिया आकर के चिपकने लगते हैं। और ये बैक्टीरिया चिपकने के बाद जो है इनर कॉर्टेक्स वाले हिस्से में सेल के डायरेक्शन पे जाने लगते हैं, ये वाले एरिया से अंदर की ओर। और इस तरीके से ये नोड्यूल का फॉर्मेशन इस तरीके से बेसिस पर करते हैं। ओके तो किस तरीके से वह नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ, मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वह देख सकते हैं आप। रूट नेड्यूल जो है कंटेन करके रखता है नेसेसरी बायोकेमिकल कंपाउंड को, जिसको आप लोग एंजाइम नाइट्रोनेस और लेगोमोग्लोबिन कह सकते हो। एंजाइम नाइट्रोनेस इज अ मैग्नीज आयरन प्रोटीन एंड कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। दैट मीन्स जो एंजाइम है जिसका नाम नाइट्रोनेस है, यह मदद इज आ एक तरीके का MO और FeO प्रोटीन है एंड कैटलाइज है कन्वर्जन कर देता है एटमोसफेयर नाइट्रोजन को किसको, मैं अमोनिया में। ओके आप देख सकते हो यहाँ। ओके आगे बढ़ेंगे, 28वां नंबर का स्लाइड है, दो और स्लाइड बचे हुए हैं बच्चों, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाइट्रोजनेस एंजाइम है क्या, हाइगली सेंसिटिव द मोलिकुलर ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन, हाइगली सेंसिटिव मोलिकुलर ऑक्सीजन है एनारोबिक कंडीशन पे। नेड्यूल्स एंश्योर एंजाइम इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कारवेंजर। नेड्यूल्स जो है इंश्योर करते हैं एंजाइम इज प्रोटेक्ट। ओके नेड्यूल्स एंश्योर एंजाइम इज प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फ्रॉम ऑक्सीजन से ड्यू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस, किसके प्रेजेंट में, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कावेंजर के तौर पर। राइजोबियम में नाइट्रोजनस एंजाइम का क्या लेना देना है, ये लिव रहता है एरोप्स अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन पे ये रहता है। नाइट्रोनेस है नॉट एपार्सनल बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक टू प्रोटेक्ट नाइट्रोनेजेस। थर्ड नंबर फॉर एंजाइम टू कैटलाइज्ड रिएक्शन, जो एंजाइम है कैटलाइज्ड रिएक्शन पे भी नाइट्रोजन एंजाइम का यूज़ होता है, जिसमें 8 ATP फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, एक हर एक अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 8 ATP की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी रिक्वायर इज अ ऑप्टेन थ्रू द रिस्पायरेशन ऑफ द होस्ट सेल, और एनर्जी रिक्वायर्ड तब पड़ती है, ऑप्टेन किया जाता है थ्रू द रिस्पायरेशन ऑफ द होस्ट सेल की वजह से। आगे बढ़ेंगे, फेट ऑफ अमोनिया, फेट ऑफ अमोनिया में क्या पढ़ना है हमें, अमोनिया एक तरीके का टॉक्सिक है, जब ये वंस फॉर्म्ड इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनिया प्लस आयन, और तब टॉक्सिक है जब ये अमोनिया प्लस आयन में बदल जाए। नाइट्रेट एसिमिलेट इन मोस्ट प्लांट, और ज़्यादातर जो प्लांट है उसमें नाइट्रेट एसिमिलेट होता है। अमोनिया यूज्ड टू सिंथेसिस अमीनो एसिड इन प्लांट, अमोनियम का ही जो यूज़ है, अमोनिया प्लस आयन का जो यूज़ है, वह अमीनो एसिड का सिंथेसिस के लिए प्लांट में ज़रूरत पड़ता है। रिडक्टिव एनिमेशन एमिनेशन इन दीज प्रोसेस, अमोनिया रिएक्ट विद द कैटोग्लोरिक एसिड एंड फ्रॉम ग्लैटुमिक एसिड, दैट मीन्स रिडक्टिव एमिनेशन की बात करें तो इस प्रोसेस में जो अमोनिया है वह रिएक्ट करता है
अकेटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ में, ताकि वह ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर सके। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं बच्चों ट्रांसमिनेशन की, तो ट्रांसफर ऑफ द अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कैटो ग्रुप। ओके, तो अमीनो एसिड का ट्रांसफर होना एक अमीनो एसिड से कैटो ग्रुप की ओर। कैटो एसिड ट्रांसमिनेस कैटलिस्ट ऑल सच रिएक्शन। तो जो कैटो एसिड है वह एक तरीके का जितने भी तरीके के रिएक्शन होते हैं उसमें एज अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेशन करता है। एग्जाम्पल में एस्पारजिन एंड द ग्लूटामाइन, एस्पोर्टिक एसिड एंड ग्लूटामाइन एसिड, एस्पारजिन सिंथेसिस आर द ग्लूटामाइन सिंथेटिक। ओके, तो लास्ट वाले को आपको समझना नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में, चैप्टर नंबर 13 के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।